हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन चैप्टर नंबर 14 में 13 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज अपन 14वां क्वेश्चन करेंगे। तो 14वां क्वेश्चन देखो क्या है। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबक की आघूर्ण है। तो अपने को इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबक की आघूर्ण ज्ञात करना है और nवीं कक्षा में होना चाहिए, nवीं कक्षा में। और जो आंसर आना चाहिए वो एल के रूप में आना चाहिए, कोणीय संवेग एल के रूप में, ठीक है। तो अपने को इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबक की आघूर्ण, तो वो चुंबक की आघूर्ण क्या होता है, एम बराबर आई इंटू ए होता है। ये फॉर्मूला चुंबक की आघूर्ण का, ये चैप्टर नंबर 8 में आएगा डेरिवेशन भाई। ये यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है और चैप्टर 8 में जो है वो डेरिवेशन के रूप में आएगा। तो आप चैप्टर 8 में जाकर देख सकते हो इस डेरिवेशन को। वहाँ पर चुंबक की आघूर्ण ज्ञात करना ऐसे टॉपिक दिया हुआ है, चुंबक की आघूर्ण ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8th नंबर चैप्टर में डेरिवेशन आएगा। तो चुंबक की आघूर्ण एम बराबर क्या होता है, आई इंटू ए, धारा गुणा क्षेत्रफल। क्या होता है, धारा गुणा क्षेत्रफल, जहाँ आई क्या है, विद्युत धारा है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। ए यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है भाई। और देखो इसको आप समीकरण एक मान लो, समीकरण एक मान लिया। अब देखो यदि समीकरण एक मान लिया तो धारा का फॉर्मूला क्या होगा, धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो धारा आई बराबर आवेश बटा समय होता है भाई, आवेश बटा समय। इसको आप समीकरण दो मान लो। तो आवेश यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और नाभिक की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पर अपन कक्षीय गति का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि ये नाभिक है और नाभिक की चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है भाई। तो अपने इस इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबक की आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या कितनी है, आर है। तो यहाँ पर देखो क्यू बराबर कितना जाएगा, आवेश क्यू बराबर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आवेश क्यू बराबर, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस ई, और समय बराबर, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। देखो यहाँ पर आप कर लो, समय का मान टी निकालना है और ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में ये टू पाई आर दूरी तय करेगा अपॉन में उसका चाल जो वी है, ठीक है। तो यहाँ से आप आई का मान निकाल लो, समीकरण इसको तीन मान लो, चार मान लो, तो समीकरण दो तीन चार से देखो क्या आंसर आएगा, समीकरण दो तीन व चार से देखो क्या आंसर आएगा इसका, आई बराबर क्या जाएगा, देखो आई बराबर क्यू का मान रख दो आप, माइनस ई है अपॉन में समय क्या है, टू पाई आर अपॉन में वी है, टू पाई आर अपॉन में वी। तो इस वी को आप ऊपर भेज दो तो आई का मान क्या जाएगा, वी ऊपर जाएगा, ये वाला वी ऊपर जाएगा, तो माइनस में ई वी अपॉन में टू पाई आर, ठीक है। आई का मान आ गया समीकरण नंबर पाँच मान सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्षेत्रफल, ए बराबर वर्त का क्षेत्रफल, ए वर्त का क्षेत्रफल, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर छः। तो समीकरण नंबर पाँच व छः से का मान रख दोगे आप, एक में मान रख दोगे, पाँच व छः से समीकरण एक में, समीकरण एक पाँच व छः से, तो एक प्रकार से डेरिवेशन हो गया। तो चुंबक की आघूर्ण एम बराबर आई का मान है माइनस ई वी अपॉन टू पाई आर, और ए का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर मान रखो, चलो तो पाई से पाई कट जाएगा भाई, पाई से भाई आर से आर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ई वी आर अपॉन में, ई वी आर अपॉन में टू, ठीक है। अब अपने को एल के रूप में आंसर चाहिए, तो अपन एम से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, एम से ऊपर नीचे गुणा कर दिया,
एम वी आर, एम वी आर और अपॉन मी 2m। और एम वी आर क्या होता है भाई, चूंकि एल बराबर क्या होता है, एम वी आर होता है कोणीय संवेग, तो यहाँ पर आप एम वी आर की जगह आप एल रख दो, माइनस में ई एल अपॉन मी 2m, तो ये वाला आंसर होता है भाई। ठीक है, तो आपको ये वाला आंसर करना, माइनस में ई एल अपॉन मी 2m। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है तो इसके कोणीय संवेग में कितनी वृद्धि होगी। तो ये साफ साफ बोल रहा है कि मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण कर रहा है, तो मूल अवस्था क्या होती है भाई, मूल मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण कर रहा है, तो ये जो संक्रमण कर रहा है वो मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था। ठीक है, तो देखो मूल अवस्था के लिए n बराबर 1 और प्रथम उत्तेजित के लिए n बराबर 2, n बराबर 1 से 2 में जाना चाहता है, तो कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है भाई, कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय संवेग l बराबर एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोणीय संवेग हो जाएंगे, प्रथम के लिए एल वन, जब एन बराबर 1 है तो एल वन कितना आएगा, एल का मान 1 कर देंगे, एन का मान, तो एन का मान 1 रख दो, तो 1 एच अपॉन में 2 पाई, एच अपॉन में 2 पाई। फिर आप एन का मान जब 2 है, एन का मान जब 2 है तो यहाँ से आप एल टू निकाल लो, तो 2h अपॉन में 2 पाई, क्योंकि n का मान 2 रखना है, रख दो आप, तो वर्दी कितनी आएगी, वर्दी कितनी आएगी, डेल्टा l बराबर एल टू माइनस एल वन, एल टू माइनस एल वन, एल टू कितना है 2h अपॉन 2 पाई, एल वन कितना है h अपॉन 2 पाई, तो कितना कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 2 है ये 1 है, तो h अपॉन 2 पाई। एच पॉइंट का मान कितना होता है भाई, इसका मान एच कट नहीं होता क्या, ये पाठ कौन से पाठ में आया था, ये 13 के पाठ में आया था भाई, ये एच कट होता है इसका मान, और इसका एच कट का मान कितना होता है, 1.054 10 की पावर -34 जूल सेकंड। आपको याद हो तो वहां पर एच कट हाइजेनबर्ग के सिद्धांत में आया था, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में एच कट का मान एच पॉइंट 2 पाई आया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या, इस इलेक्ट्रॉन की चाल और कक्षा की कुल ऊर्जा ज्ञात करो। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, द्वितीय बोर कक्षा की बात कर रहा है, द्वितीय मतलब n बराबर 2, त्रिज्या निकालनी है, चाल निकालनी है और कक्षा की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, देखो इसका आंसर जल्दी से कर लो आप, द्वितीय बोर कक्षा मतलब n बराबर 2 दिया हुआ है और जेड का मान हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 दिया हुआ है, तो अपने को क्या निकालनी है, सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई, त्रिज्या आर एन बराबर क्या होता है, 0.529 n² / z अंगस्ट्रम, मान रख दो एन का मान 2 रख दो, आर टू, तो 0.529 × 2² 4 और जेड का मान 1 है, तो 0.529 × 4 देखो कितना आंसर आता है, 9 चौको 36, छक्को लगी 3, 4 8 8 3 11 1, 5 20 1 21 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये निकल गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की चाल, तो इलेक्ट्रॉन की चाल कैसे निकालेंगे, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, Vn, Vn बराबर क्या होता है भाई, 2.189 × 10 की पावर 6 और जेड अपॉन एन, ये नियतांक वाला फॉर्मूला होता है भाई, यहाँ नियतांक आता है, ये नियतांक है, और इसमें नियतांक क्या होता है, 0.529 और इसमें नियतांक कितना होता है, 2.189 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो निकल जाएगा, जेड का एन का मान तो रख दो,
तो एन का मान दो रखोगे तो वी टू 2.189 × 10 की पावर 6, और जेड का मान 1 करना है, जेड का मान 1 कर दिया, भाग दे दो आप, तो भाग देने भी इसका आंसर है 2 × 1 = 2, उतार लिए, एक भाग नहीं जाएगा, 2 × 18, 2 × 4 = 8, 10 की पावर 6। और देखो वैसे आंसर ये सही है, 1.09 सही है, लेकिन 1.09 को अपन 1.1 बोल सकते हैं लगभग, क्योंकि 9 है 5 से बड़ी संख्या है, तो पीछे वाला एक बढ़ जाएगा, 9 जो 5 से बड़ा संख्या है, तो इस पीछे वाले को अपन एक बढ़ा सकते हैं, तो 1.1 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, ऊर्जा पूछी है, ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, ई एन, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, ऊर्जा ई एन बराबर क्या होती है, −13.6 और जेड स्क्वायर कौन में, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो मान रख दो एन का मान दो रखो, ई टू कितना जाएगा, −13.6, जेड का मान 1 है और 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो −13.6/4 कितना बचेगा, −3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर बच जाएगा। ठीक है नेक्स्ट करो, देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य दी हुई है, प्रथम रेखा, तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा क्या होती है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का मतलब क्या होता है, प्रथम रेखा का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 1 में आएगा, टू से किस में आएगा, 1 में आता है, 2 से 1 में संक्रमण करेगा, और उसकी लैम्डा दी हुई है 1216 एंगस्ट्रम, तो इसमें देखो क्या करना है अपने को, इसमें अपन तरंग संख्या वाला सूत्र लगा देंगे, तरंग संख्या वाला सूत्र अप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा बराबर आर आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर लगाओ, तो 1 अपॉन लेमडा, लेमडा दिया हुआ है 1216, ये लेमडा रख दो, और n1 दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 अपॉन लेमडा बराबर आर 1 − 1/4, ये कितना होता है, 1 − 1/4 3 होता है, 3/4 होता है, तो आर 3/4, इसको उल्टा कर दो आप, तो यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, कितना लेमडा कितना आएगा, लेमडा बराबर इसको उल्टा करेंगे तो 4 अपॉन नहीं सॉरी, अपने को आर निकालना है यहाँ से, तो आर निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे, आर निकालो तो 4 को इधर आएगा 3 इधर आएगा, तो 4 इधर जाएगा और 3 नीचे आएगा और लेमडा ऊपर रह जाएगा, लेमडा नीचे रहेगा रे, ठीक है, तो 3 नीचे रह गया, और तो लेमडा का मान रख दो आप, आर का मान निकालना है तो 4, या फिर आप 1/4 निकालो ना, ठीक ही बात है, 4/3 लेमडा कितना है, 1216 है, तो काटना था वो 4 × 3 = 12, 0 × 4 = 16, तो कितना आंसर बचेगा, आर बराबर 1/912। अब बताओ ये मान निकालने की जरूरत नहीं, वैसे तो आपको मान ये आता भी है, आर का मान होता है 1/912, या फिर 1/r का मान कितना होता है, 1/r = 912 होता है, ये मान आपको आता भी वैसे, लेकिन यहाँ पर निकालना पड़ेगा भाई, इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पाषाण श्रेणी की प्रथम रेखाओं की पूछी है, पाषाण श्रेणी की प्रथम रेखा मतलब क्या होता है, ये आर का वाला मान आगे काम में लेंगे अपन, आर का मान आगे काम में लेंगे, पाषाण श्रेणी की प्रथम रेखा का मतलब क्या होता है, तो उसमें पाषाण लाइमन बामर पाषाण, लाइमन बामर पाषाण, पाषाण के लिए n1 3 होता है, तो n2 कितना हो जाएगा, 4, n2 कितना हो जाएगा, 4, लगाओ आप 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, मान रख दो आर का मान रखो 1/912 एंगस्ट्रम, ये 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना बचेगा भाई, 1/912 है तो 1/9 − 1/16, लघुत्तम कितना आएगा,
लघुत्तम आ जाएगा इसका। देखो भाई लघुत्तम 9 गुणा 16 पूरा पूरा लघुत्तम आएगा ही। 9 गुणा 9 16 मैंने से 9 कितना बचेगा, 1/912 एंगस्ट्रम, 9 7 बच जाएगा, 7/ में जो भी है ये 9 6 54, 5 9 5 14 144। और इसको आप उल्टा कर दो तो लेमडा का कितना आंसर हो जाएगा, 912 144/7, और एंगस्ट्रम इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसको आप आगे हल कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू।